हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर ग्रीन के। आज जो अपन टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही एमएससी जो बच्चे प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से मैं टॉपिक लेके आया हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है इस टॉपिक के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहता है, तो ये जो टॉपिक है दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं उनके बारे में लेक्चर है। कंप्लीटली मैं केवल आज बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और बेसिक से स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि इसमें जो मतलब देखा है, मैंने कईयों को देखा है केवल रटाफिकेशन मगाफिकेशन कर रहा है अपने को। मैं आज बहुत ही मतलब मैंने एमएससी पीएचडी की है तो ऑब्वियसली मैंने रिसर्च वर्क भी किया, और रिसर्च वर्क का जो यूज़ होता है वो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है रिसर्च वर्क के अंदर, पूरा रिजल्ट आपका उसी पर डिपेंड होता है। तो यूजी वाला जो स्टूडेंट होता है उसको इसका अंदाज़ा नहीं होता है, वो इमेजिनेशन नहीं कर पाता कि क्या चीज़ होती है, और उसको मगअप करने की कोशिश करता। तो मैंने जो आज बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको मैं टच करने की कोशिश करूंगा, मैं बता दूंगा आज मैं क्या क्या कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनको मैं टच करूंगा। जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, देखो रटने में ट्रीटमेंट ये होता है वो होता है, रटता ट्रीटमेंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, प्लॉट्स क्या होते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल उन पर मैं बात करूंगा, दैट इज व्हाट इज रैंडमाइजेशन क्या होता है। रैंडमाइजेशन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, रैंडमाइजेशन का सर आपका रेप्लिकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज लोकल कंट्रोल। ये जो तीन चीज़ें होती है लोकल कंट्रोल, इसे अपन क्या बोलते हैं, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है इन कौन सा इसमें से है कौन सा नहीं, तो आपको याद रखना जैसे रैंडमाइजेशन रेप्लिकेशन लोकल कंट्रोल ये तीन प्रिंसिपल है। क्वेश्चन आ जाए जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसमें से कोई एक ऑप्शन में और डाल दिया तो वो आंसर जाएगा। दीज आर द प्रिंसिपल, होता है क्या है, क्या आपको समझना जरूरी है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। देखो छोटा वीडियो बनाया, अगर पसंद आए तो आगे डिजाइन से बनाएंगे। वैसे हम जो हमारा ऐप है उसे फुल कोर्स, जो प्री पीजी कोर्स है उस पर हम फुल कोर्स डालते हैं उसका, तो फुल कोर्स डालेंगे उसका, आने वाले टाइम में मिलेगा, अभी तो नहीं डाला लेकिन आने वाले टाइम अपलोड होगा उसके ऊपर। यहाँ मैं केवल एक डेमो जो क्लास है वो एक डाल रहा हूँ, देखो सुन इसके अंदर अपने को ध्यान क्या रखना वो सुनिएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखिएगा, पहली बात तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट के माने एग्जांपल ले लो, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे कोई एक एक्सपेरिमेंट करना है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ मुझे देखना है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक प्लांट है, जैसे मैं कह दूँ कि चलो ये एक कोई भी ट्री ले लिया मैंने, जैसे मैंगो का ट्री ले लो, ये मैंगो का ट्री ले लो या राइस का ले लो, वीट ले लो, कुछ भी ले लो, मैं मैंगो का ट्री ले लिया। इस मैंगो के ट्री के अंदर बहुत सारे प्लांट है, ये एक दो है, ये प्लांट प्लांट है। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे समझ लो कि एनपीके नाइट्रोजन, मान लो कि नाइट्रोजन मान लो ज्यादा कंपोनेंट लेंगे तो उतना ही कंफ्यूज होगा। मुझे ये पता करना है कि नाइट्रोजन आप कहते हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल बोलते हैं, जैसे वीट के अंदर मान लो किसी, मैं रैंडम ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ भी दे दिया, मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन आप इसके अंदर 120 किलो आपको देनी है, रिकमेंडेशन है, लेकिन ये 120 किलो आई कैसे, ये आई कैसे, जब फार्मर्स जो साइंटिस्ट है उसने अलग अलग नाइट्रोजन की डोज जाके देखी तो देखा जो 120 केजी जब उसने डोज डाली तो उसका जो रिजल्ट आया वो सबसे अच्छा आया। तो जो साइंटिस्ट ने क्या रिकमेंडेशन दे दी कि वीट की क्रॉप को कितनी रिक्वायरमेंट है, 120 केजी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है अपनी ग्रोथ के लिए। ये क्या, ये एक्सपेरिमेंट है। तो कोई भी पेन रैंडम एक्सपेरिमेंट दे दिया कि मान लो कि मैंने पता कर लिया कि मैंगो के अंदर मुझे नाइट्रोजन कितना देना चाहिए, ये मुझे पता करना है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे मैंगो के प्लांट हैं, मैंगो के प्लांट के अंदर क्या हुआ, अब देखो दो तीन चीजें मैं लेके चलूंगा, आपको इनको कंसिडर करना है। मान लो कि नाइट्रोजन देना, अब नाइट्रोजन मान लो मुझे नहीं पता कितना देना, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। एक प्लांट तो वो लिया जिसमें मैंने नाइट्रोजन जीरो केजी दिया, कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। दूसरा प्लांट मैंने वो लिया जिसके अंदर मान लो कि मैंने कितना दिया, मैंने मान लो कि 80 किलो दिया, एक के अंदर मैंने 100 किलो दिया, एक के अंदर मान लो मैंने 120 किलो दिया, एग्जांपल कुछ भी रैंडम है। तो मैंने यहाँ पे जो ये जो प्लांट था, यहाँ पे मैंने कितना नाइट्रोजन दिया, इस पे 0 केजी दिया, यहाँ मैंने कितना दिया, यहाँ मैंने 120 किलो दिया, यहाँ मैंने कितना, सॉरी यहाँ मैंने मान लो ये 120 कैसे स्टार्टिंग, अपन ये करो मान लो 180 किलो नाइट्रोजन दे दिया मैंने, यहाँ मान लो कि मैंने कितना दिया, 100 किलो दे दिया, और यहाँ मैंने क्या दे दिया, 120 किलो दे दिया। और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लो अगर मैं एक ही प्लांट के अंदर दे रहा हूँ तो देखो कई तरह की दिक्कत है। पहली बात तो ये, आप अगर एक प्लांट के अंदर दे रहे हो तो आप केवल एक प्लांट के बेसिस पे ध्यान रखना, आप अपना एक्सपेरिमेंट को या जो आपका रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते।
आपको जो पॉपुलेशन है, जो आपका जो है, आप क्या पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं, बताऊंगा उसको क्या क्या टेक्निकल वर्ड है वो आपको बताऊंगा। अब जो जो चीजें जिसके ऊपर दे रहे हो, पहले मैं चीज दे रहा हूँ, ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आप अलग 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 डोज दे रहे हो, तो ये जो जिस चीज को आप मतलब टेस्ट कर रहे हो, जो आप टेस्ट करना चाहते हो, जैसे नाइट्रोजन है, फर्टिलाइजर दे दिया, मैंने वैरायटी देख ली कोई सी कौन सा एरिया परफॉर्म करी, तो ये जो अलग अलग डोजेस है इसको ध्यान रखना। मैं क्या कहता हूँ इसको, मैं कहता हूँ वर्ड को, इसको मैं कहता हूँ ट्रीटमेंट। क्या बोलता हूँ इसको मैं? ट्रीटमेंट। अब मैं ये किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये जो ट्रीटमेंट है ये मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना। मैं यहाँ मैंगो प्लांट पे सॉइल को कह रहा हूँ, तो ध्यान रखना उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा दैट इज एक्सपेरिमेंटल यूनिट। मतलब ट्रीटमेंट जो अप्लाई करते हो वहां पे यूज करते हो एक्सपेरिमेंटल यूनिट। लेकिन अब अगर मैं एक एक प्लांट पे दे रहा हूँ दैट इज माई रिसर्च वर्क, ध्यान रखना ये मेरा प्रॉपर तरीका नहीं है। अब मैं पहली बात तो क्या क्या, अगर ऑब्वियसली बात है अगर मैं 100 के जीरो नाइट्रोजन दूंगा तो मैं 10 से 15 प्लांट के अंदर 25-50 प्लांट ले दूंगा, एग्जांपल देखूंगा या है या नहीं। दूसरा अगर मैं 100 किलो दे रहा हूँ, 80 किलो दे रहा हूँ, तो 80 किलो में मैं 100-50 दिया, 10-15 जितने भी पॉपुलेशन उसके अंदर दूंगा, मतलब अलग अलग प्लांट के अंदर मैं इसको पॉपुलेशन होगी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर इसको मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन अब टेस्ट करने के भी ध्यान रखना कई तरीके हैं, वो आपको बताता हूँ क्या क्या गलतियां होती है, क्या आपको ध्यान रखना वो चीज बताता हूँ। देखो पहली बात तो ये आपका एक मान लो कि फील्ड है। अब ये जो आपका फील्ड है ये यूनिफॉर्म तो नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे फर्टिलिटी लेवल ज्यादा हो, यहाँ पे फर्टिलिटी लेवल कम हो, कुछ भी हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, कभी भी जैसे ये आपका ये एक ब्लॉक है, ये पूरा पूरा आपका फील्ड है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आप ये फील्ड पे ये आपका खेत है उसके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं उसको एक छोटे छोटे अपन क्या करते हैं ब्लॉक्स में बांटते हैं। ब्लॉक्स में बांट के अपन क्या करते हैं इसको अपन प्लॉट में डिवाइड करते हैं। प्लॉट के अंदर डिवाइड करने से क्या होगा, छोटे छोटे जितने टुकड़े होंगे ऑब्वियसली बात है उतना ही यूनिफॉर्म। इसका क्या जरूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बोलो मान लो कि आपने एक क्रॉप लगा रखी है जिसका नाम है, जैसे आपने वीट लगा रखी, मान लो वीट, ये वीट लगा रखा आपने, वीट की वेराइटी नंबर वन, चलो मैंने पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ले ली, मैं पॉपुलेशन कम करता हूँ थोड़ी, मान लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये भी वीट है, ऑब्वियसली बात है ये भी वीट ही है, कोई फर्क तो है नहीं। ये मैंने यूनिफॉर्म नहीं बनाया लेकिन वैसे ध्यान रखना स्पेसिंग जैसे बराबर होती है, मान लेना। अब एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। देखो मान लो बहुत सारे, अब मुझे ये टेस्ट करना है कि मैं क्या करूंगा कि मैं नाइट्रोजन, चलो एग्जांपल को दूसरा लेते हैं, मान लो कि मुझे प्लांट के अंदर समझ लो वीट है, तो वीट का अंदर चलो आप हर्बिसाइड का स्प्रे मान लो, चलो फर्टिलाइजर ले लेते हैं, चलो आपको फॉस्फोरस कितना देना चाहिए, तो फॉस्फोरस की मैं देखता हूँ कि कितनी प्लांट के लिए उपयुक्त है, तो मैंने क्या किया फर्टिलाइजर इसकी चार डोज में, चार बना सकता हूँ, 10 बना सकता हूँ, 20 बना सकता हूँ, 25 बना सकता हूँ, मैंने कुछ तो दूंगा ही, तो मैं सुनो यहाँ 50 किलो दी, यहाँ मैंने 100 किलो दी, मान लो एग्जाम में कुछ भी ले रहा हूँ, यहाँ 150 किलो दी या मैंने 200 किलो दी आपको, ये फॉस्फोरस की अलग अलग डोज है। अब मान लो कि मैंने इस फील्ड के अंदर जैसे फील्ड है मैं इसको डिवाइड किया, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ ऑब्वियसली बात है यहाँ फर्टिलिटी लेवल बराबर नहीं है, फील्ड के अंदर कभी भी फर्टिलिटी लेवल बराबर नहीं है, हेट्रोजीनियस कंडीशन यहाँ कहीं भी कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म होता सब कुछ तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट एग्जाम के, ऑब्वियसली प्लांट के ऊपर कई चीजें फैक्टर है, एक प्लांट की ग्रोथ के सनलाइट का डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी भी डिपेंड करेगी, पहले आपने क्या क्रॉप लगा रखी थी कई डिपेंड, तो आपको ये तो नहीं पता है कि जो ग्रोथ का रिजल्ट मिल रहा है केवल आपके फॉस्फोरस से मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस कंडीशन। तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले अपन फील्ड को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और ब्लॉक में डिवाइड जो आप कर रहे हो उसको लोकल कंट्रोल बोलते हैं। होता है कि मैं आपको बहुत ढंग से बताऊंगा। अब पहली बात तो मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ, क्या होता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ।
ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑब्वियसली बात है ये जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हो, जो अलग अलग डोजेस है उसको ध्यान रखना, अपन क्या कहते हैं उसको अपन कहते हैं ट्रीटमेंट। अब जैसे फॉस्फोरस का 50 जैसे इसको अपन बोलेंगे ट्रीटमेंट नंबर 1, ये क्या होगा ट्रीटमेंट नंबर 2, ये क्या होगा ट्रीटमेंट नंबर 3, ये क्या होगा ट्रीटमेंट नंबर 4, ये हो गए ट्रीटमेंट। अब अप्लाई करने वाले जैसे यहाँ पे आपने डाला, यहाँ पे आपने डाला ट्रीटमेंट नंबर 1 डाल दिया, यहाँ पे इस फील्ड में डाला ट्रीटमेंट नंबर 2, यहाँ पे डाल दिया ट्रीटमेंट नंबर 3 और यहाँ डाल दिया आपने ट्रीटमेंट नंबर 4। आप कह दो कि साहब ये मेरा फील्ड था और मैंने इस वाले ब्लॉक के अंदर डाला और मेरा रिजल्ट मैं इसके अकॉर्डिंग निकाल दूं, नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगर ये जो रिजल्ट एक ही आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अब मान लो अपन अब क्या करना पड़ेगा, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कहता है कि ये जो आपने ट्रीटमेंट डाला है जिसमें अपन ने कितना डाला, यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बताया कितना डाला 50 किलो, आप क्या करें इसको अलग अलग फील्ड के प्लॉट में डाल के देखो। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे भी आपने 50 किलो दे दिया, यहाँ पे भी आपने क्या किया 50 किलो दे दिया, और एक आपने क्या किया यहाँ पे भी आपने क्या किया 50 किलो दे दिया, 50 किलो 50 किलो 50। अब करने में तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे 50 किलो, यहाँ पे 50 किलो, यहाँ जरूर थोड़ी है। अब क्या पता ये जो सॉइल है यहाँ पे क्या होता है इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा आ रही हो, इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आ जाए। तो ध्यान रखना अपन क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक है इनको अपन रैंडम अलग अलग जगह इसकी जो एप्लीकेशन करेंगे, किसकी ट्रीटमेंट नंबर 1 की, अपन अलग अलग 50 50 किलो अपन अलग अलग। अगर इन चारों का, इन चारों ब्लॉक का रिजल्ट सेम आता है, सेम जगह अलग अलग जगह डाला और रिजल्ट सेम आता है, इसका मतलब हाँ आपका जो ट्रीटमेंट आपने दिया वो उसका जो रिजल्ट जो आपको दिख रहा है वो उसी ट्रीटमेंट का असर है, वो किसी और चीज का असर नहीं है। अगर यहाँ पर आपका डेटा अलग अलग दिख रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका एक्सपेरिमेंट में क्या हुई, गलती हुई है, एरर आ जाता है। अगर आपने एक ही जगह यहाँ पर केवल आपने यहाँ 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 50 किलो डाल, तो ध्यान रखना इस चीज को, मतलब आप ट्रीटमेंट को अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक इस ब्लॉक में 50 किलो डाल दिया, सेम चीज थी ट्रीटमेंट 1 को आपने अलग अलग जगह फील्ड में अप्लाई किया, उसमें डिवाइड करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, इस चीज को अपन बोलते हैं रैंडमाइजेशन। आपने क्या किया उस ट्रीटमेंट का, क्या कर दिया आपने रैंडमाइजेशन कर दिया, और इस ट्रीटमेंट को आपने, अब एक चीज होता हूं, अब यही जैसे T2 है, अब यहाँ पे आपने मान लो यहाँ पे आप यहाँ T1 था, इसको आपने T2 यहाँ ले लिया, इस जगह आपने T2 यहाँ ले लिया, इस जगह आपने क्या कर दिया T2 यहाँ ले लिया, T3 था, T3 जो ऑब्वियसली यहाँ था, तो इस बार आपने T3 इस ब्लॉक में ले लिया, यहाँ पे आपने T3 इस ब्लॉक में ले लिया, यहाँ पे आपने T3 इस ब्लॉक में ले लिया, T4 अगर इस जगह था तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे वापस T4 आ गया, तो अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये T4 यहाँ कर देते हैं, यहाँ T3 कर देते हैं, ऑब्वियस यहाँ T4 कर दो और यहाँ क्या कर दो वापस T4। तो आपने क्या किया अलग अलग ब्लॉक में, और देखो ये आपका एक पूरा सेट था, ये अगर आपका मैं मानूं तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा का पूरा आपका एक सेट था, ये मान लेते हैं, देखो ये कलर लेते हैं, ये एक पूरा, तो T1 T2 T3 और T3, इसको ध्यान रखना आपने ये पूरा सेट था, इस सेट को आपने एक बार यहाँ रिपीट किया, एक बार यहाँ रिपीट किया, एक बार मतलब आपने ट्रीटमेंट का जो सेट था उसको बार बार आपने रिपीट किया कि भाई साहब इस वाले सेट का, इस वाले सेट का, इस वाले सेट का, इस वाले सेट का रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक के आधार पर कर दोगे तो यहाँ तो यूनिफॉर्म कंडीशन नहीं होती है फील्ड के अंदर अलग, अगर सेम अलग अलग चीजों में अगर अलग अलग चीज को रिपीट करने पर सेम रिजल्ट आते हैं, इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या है, आपका यूनिफॉर्म रिजल्ट है, आप जो टेस्ट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो वो आपकी सही है। तो आपने ये जो सेट बार बार रिपीट किया, ये जो प्रॉपर आपने एक इस जगह रिपीट किया, आपने एक इस ब्लॉक में रिपीट किया, सेम चीज T1 T2 T3 और T4 के, तो इसको ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रेप्लीकेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं रेप्लीकेशन। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया, सुनिएगा ध्यान से समझना मैं क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो आपको खासकर ध्यान रखना है। देखो पहली बात तो मैंने यहाँ पे एक वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ को आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट मैं थ्योरेटिकल चीजें भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल इसकी पूरी बुक की लैंग्वेज आपको पढ़ा के समझाऊंगा ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट का क्या मतलब हुआ, ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ जो आप बार बार, मतलब आप ये जो बार बार जो आप जो किसी भी चीज को, आप मैं वैरायटी आजकल में वैरायटी में, जैसे मैं वैरायटी 1 B1 B2 B3 B4 कोई भी, अब मैं अलग अलग डोजेज जिसको मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं वर्मी कंपोस्ट डालना चाहता हूँ, वर्मी कंपोस्ट से कितनी क्वांटिटी मुझे डालनी है, तो ये जो चीजें हैं मैं जिसका आप टेस्ट करो कितनी है उसको तो ध्यान रखना अपन क्या बोलेंगे ट्रीटमेंट।
जहां अप्लाई कर रहे हो वहां उसको क्या बोलोगे, ये पूरा क्या एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ये T1, ये क्या एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो गई, ये प्लांट हो गया, आप इसको बोल दो, इसको प्लांट बोल दो, इसको एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोल सकते हो। जहां अब ऑब्वियसली बात है, ये जो ट्रीटमेंट वन है इसको आपने अलग अलग जगह रिपीट किया, जिसे इससे अपन क्यों, ताकि आप मतलब हर ट्रीटमेंट को इक्वल चांस कहीं पे भी आने का, आप डिसाइड नहीं करोगे कि सीक्वेंस T1, T2, T3, T4 ही होगी, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे T2, T3 कुछ भी आप रैंडम लोगे, यहाँ 50 किलो डाल दिया, 60 किलो, फिर आप एक लेआउट बना लोगे कि हाँ मैंने मेरा फर्टिलाइजर कहाँ का लिया, आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सबको अपना इक्वल चांस मिलता है, इस चीज को अपना हर ट्रीटमेंट को कहीं पे भी आने का इक्वल चांस मिलना चाहिए, उससे अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलना रैंडमाइजेशन। और किसी सेट को आप रिपीट करोगे बार 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 बार, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। चलो ये प्लांट का छोड़ो, अपन ह्यूमंस पे लेके चलते हैं। मैंने मान लो कि दवाई आई, मान लो क्रोसिन दवाई आई, तो वो क्या किया मैंने, क्रोसिन दवाई आई, वो मैंने क्या किया कि मैं देखना चाहता हूँ उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो मान एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी ले सब। अब ऑब्वियसली बात है, वो क्रोसिन जो रिजल्ट ऑब्वियसली दवाई है, पहली बात तो जो मेरा जो क्या बोलते हैं जिन पे मैं अप्लाई, जो पेशेंट है मेरा, ऑब्वियसली बात है उनकी एज ऑब्वियसली बात है सेम होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका मेटाबॉलिज्म सब कुछ सेम है। अब मैंने क्या किया, वो आधी गोली दी क्रोसिन की, किसी को आधी गोली दी, किसी को पूरी गोली दी, किसी को 3/4, तो ये अलग अलग क्रोसिन की मैंने क्या की डोज दी, इसको अपन क्या बोलेंगे ट्रीटमेंट। किस पे थी, इंसान पे थी, तो वो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो गया, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, दो चीजें होगी। अब ऑब्वियसली बात है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक इंसान को दे दूं, मैं रिजल्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, रैंडम मेरे क्लास के अंदर बैठे किसी को भी वो गोली क्या करूंगा, दे दूंगा आधी गोली, एक आधी गोली, तो अगर वो आधी आधी गोली के रिजल्ट सेम आते हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है मेरी जो कंडीशन थी किसी यूनिफॉर्म थी, और जो असर दिख रहा है उस गोली का ही दिख रहा है, तो दैट इज मैं अलग अलग रैंडम किसी वजह, दैट इज रैंडमाइजेशन। और मैंने वो एक बच्चे को नहीं, मैंने 10 या 15 बच्चों को दी, दैट इज मैंने उसी चीज को बार बार रिपीट किया, दैट इज नॉन एज रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब कहीं ना कहीं आप समझे, इट इज रिपीट, आपने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट जो आपका सेट था उसको रिपीट किया, दैट इज नॉन एज रेप्लिकेशन। उसका क्या बेनिफिट होता है वो अपन पूरा थ्योरी में पढ़ेंगे, आपको केवल यहाँ बेसिक समझना था। ये जो चीज है इसको अपन बोलते हैं लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल का मतलब जहाँ हेट्रोजेनोसिटी होती है, जहाँ यूनिफॉर्म कंडीशन नहीं होती, वहां क्या करते हो आप एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक जो आपका होता है उसको अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो, ताकि यहाँ पे एक जो प्रॉपर आए वो आपका कंडीशन यूनिफॉर्म आए, इसको अपन बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक बोलते हैं इसको। अब इनको टेक्निकली अपन क्या कहते हैं वो अपन देखो बेटा, मैं आपको वो पढ़ाता हूँ क्या होता है इनको। ये तो एक देसी लैंग्वेज में इसको समझाने का तरीका था, अब एक्चुअली बुक्स में जो आपको लैंग्वेज मिलती है उसको मैं क्लियर करता हूँ कि बुक्स में आपको प्रॉपर लैंग्वेज क्या मिलती है। तो अपन चलते हैं अब PDF की ओर, कि PDF क्या कहती है वो देखिएगा बेटा। ये आपको PDF मिलती है, कभी किसी भी आप जाओ तो PDF ये आपको जरूर मिल जाएगी। तो देखो इसके अंदर आपने क्या कहना चाहता है वो देखिएगा। पहली बात तो ये बोला है कि व्हाट इज मॉडल, ये फिश जो टेक्निक थी ये किसने दी थी, ऑब्वियसली बात है ये RA Fisher ने दी थी। पहली बात तो आपको इस चीज का खासकर ध्यान रखना है, तो पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको हाईलाइट और रेड मिले। अब ब्लॉक क्या होता है, देखो ब्लॉक्स क्या होता है, इन्होंने क्या बोलता है, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट मोस्ट टाइम वी डिवाइड द एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है, जो फील्ड है, इनटू रिलेटिवली होमोजेनस, छोटे छोटे ग्रुप में बांट दो तो कंडीशन कैसे होती है, यूनिफॉर्म होते। मान लो कि ये आपका ब्लॉक था, यहाँ पे फर्टिलिटी लेवल ज्यादा थी, यहाँ फर्टिलिटी लेवल कम, तो आपने अगर इसको ब्लॉक कर दे तो ये वाला ब्लॉक इसमें फर्टिलिटी लेवल ज्यादा है, ये वाला ब्लॉक इसमें फर्टिलिटी लेवल क्या, आपने छोटे छोटे ब्लॉक में सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उनको ध्यान रखना, दिस स्टेटा आर मोर यूनिफॉर्म अमंग दिस, इसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक। ट्रीटमेंट को डिफाइन कैसे हैं, ट्रीटमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, ऑब्वियसली बात है आपने फास्फोरस का अलग अलग डोजेस का कंपैरिजन किया, आप नाइट्रोजन का अलग अलग डोज का एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने क्रॉसिंग जो थी उसकी आधी कंप्लीट, उसके अलग अलग डोज, मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ जिनका कंपेरिजन कर रहे हो कि वैसे कौन सी ठीक रहेगी, जो कंपेरिजन कर रहे हो इन एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज इज डिफाइंड एज अ ट्रीटमेंट। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन, जिनका आप कंपेरिजन करते हो अलग अलग चीजों का, उसको अपन क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल यूनिट जहां आप द एक्सपेरिमेंटल, उसे जहां ट्रीटमेंट को जिस जगह अप्लाई किया जाता है, जिसके लिए अप्लाई किया जाता है, उसको ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अब ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सभी बच्चों को खासकर ध्यान रखना पूछता है। मैंने बोला क्या कि भाई साहब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज वो यही होगी कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल, मतलब ध्यान रखना किसी भी प्रिंसिपल, मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट को डालना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो, तो उसके तीन प्रिंसिपल वो आप खास कर ध्यान रखना। नंबर वन इज रेप्लिकेशन, जिसको नंबर वन, नंबर टू इज रेंडमाइजेशन, एंड नंबर थ्री इज लोकल कंट्रोल। ये तीन है जो बेसिक डिजाइन है, ये आपको खास कर ध्यान रखना। और ये किसके लिए, प्रिसीजन, इंक्रीज द प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब भी आपका जो रिजल्ट आया वो इफेक्टिव आया,
वो कैसे आया, वो कैसे आप ला सकते हो, उसके लिए आपको तीन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेंगे। दैट इज नंबर वन रेप्लिकेशन, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया। रेमेंडम ऐसे मतलब इक्वल चांस, हर किसी ट्रीटमेंट को इक्वल चांस मिले उसको अप्लाई करने का। आपने बायसनेस की कि मुझे जैसे यहाँ फर्टिलिटी लेवल ज्यादा था, तो आपने क्या किया, यही यही वो आपका एक्सपेरिमेंट जो डोज थी वो डाली, उस रिजल्ट आपको अच्छा मिला, तो आप कह दो कि सब ये अच्छा हो गया। नो, आपको कोई भी आप ट्रीटमेंट डालो तो ट्रीटमेंट को आपको क्या करना है, रेंडमली कहीं पर भी उसको अप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना। दैट इज नॉट रेंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल का मतलब उनको छोटे छोटे ब्लॉक में आपको यूनिफॉर्म ब्लॉक में डिवाइड करना है। अब ऑब्वियसली बात है, प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये जो प्रिंसिपल है इसका ऑब्जेक्टिव इतना होता है कि भी आपका जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको आपको रिड्यूस करना है। और दूसरा जो है जो आपका प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसके जो इफेक्ट है, जो मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हो, जो चीज जिसको आप स्टडी कर रहे हो या जो ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हो आप, उसी का रिजल्ट आ रहा है, उसको ध्यान रखना जितना वो एक्यूरेट होगा। ऑब्वियसली बात है प्लांट की ग्रोथ को कई फैक्टर रेगुलेट करते हैं, तो जो चीज आप एक्सपेरिमेंट में ट्रीटमेंट डाल रहे हो उसी का रिजल्ट आए तो ध्यान रखना, अगर वो जितना अच्छा होगा उसी का इफेक्ट आ रहा है तो आपका एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होंगे वो आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये चीज डाली ये उसी का असर है, किसी और चीज का असर है। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका प्रिसीजन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये ध्यान रखना आपका डिजाइन का प्रिंसिपल है। तो आपको अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है क्या, कि बेसिक प्रिंसिपल डिजाइन, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, नंबर वन इज रेप्लिकेशन, नंबर टू इज रेंडमाइजेशन, नंबर थ्री इज द लोकल कंट्रोल। ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसका अपन ऑब्जेक्टिव जो जिसको अपन कंपेयर कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रीटमेंट, जिस पे अपन वो ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो ये ऑब्जेक्टिव ये पढ़ ही लिया अपन ने, देखो रेप्लिकेशन। अब इसको पढ़ने की कोशिश करना, रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ ये देखिएगा। रेप्लिकेशन का मतलब देखो, सीधा से एक ही वर्ड आ गया, रेप्लिकेशन का मतलब ही यही आ गया। रेप्लिकेशन का मतलब हो गया रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ द ट्रीटमेंट टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ना अप्लाई करो उसको, रिपीट कर रहे हो, जिस चीज को, इज नॉन ए रेप्लिकेशन। अदर वर्ड का रिपीटिशन ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नॉन एज रेप्लिकेशन। मतलब आपने तीन, जैसे मैं बता देता हूँ, वापस याद दिला देता हूँ, जैसे आपने एक ब्लॉक बनाया, कुछ भी बनाया आपने, जैसे ये तीन ब्लॉक ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे T2, T3 और T1 ले लिया। अब इस T1 को आपने एक ब्लॉक यहाँ, ये सेम चीज आपने क्या की, देखो बताता हूँ, मान लो मैंने कुछ भी ले लिया। अब क्या किया आपने, इस सेट को आपने एक यहाँ पे भी रिपीट किया, यही देखो नॉर्मली देखो, नाइट्रोजन दिया आपने 50 किलो, आपने दिया 100 किलो, आपने दिया 150 किलो। अब यही चीज आपने बार बार तीन सेट में R1, R2 और R3 आपने क्या किया, कंप्लीट सेट को तीन चार बार रिपीट किया, तो उसको अपन अपना क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रेप्लिकेशन। वी हैव नो मीन्स ऑफ नोइंग अबाउट द वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब वेरिएशन अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो आपका रेप्लिकेशन जो फील्ड कंडीशन है वो कैसे हो रिपीट। मान लो एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने टी क्लोन 50 किलो दिया, तो यहाँ पे लगभग आपने 10 प्लांट के सैंपल लिया, तो वहाँ एवरेज हाइट कितनी है, मान लो कि 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी कितनी आई 100 सेंटीमीटर आई, अगर लेकिन यहाँ पे क्या आई 100 नहीं आई या 90 है, हो सकता है क्योंकि यहाँ हो सकता है सोयल की फर्टिलिटी कम हो, तो इन तीनों का एवरेज कर दो कि भाई T2 से तो असर, तो इससे आप क्या करते हो डाटा कंपाइल करते हो। तो ये ध्यान रखना जितने ज्यादा यूनिफॉर्म आपका रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब आपका रेप्लिकेशन क्या है उतना ही अच्छा है। अब ये ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेप्लिकेशन का क्या मतलब, तो रेप्लिकेशन किस लिए, रेप्लिकेशन क्या बताता है, टू रेप्लिकेशन का मेजर क्या है, तो जो एक्सपेरिमेंटल एरर है, जो एक्सपेरिमेंट में आपकी गलतियां हो सकती है, अननोइंगली रीजन को भी गलतियां, फर्टिलिटी का सॉइल का तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो तो कोई सकता कोई भी अननोन गलती हो जाए, एक्सपेरिमेंटल जो है उसको कम करने के लिए उसका एक्यूरेट एस्टिमेट अगर आपको लगा, मोर इसका एस्टिमेशन की कितना आपकी एरर के चांसेस, अगर देखो यहाँ डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या फर्टिलिटी में फर्क है, ये एक्सपेरिमेंट का यूनिफॉर्म कंडीशन नहीं है, आपने यूनिफॉर्म कंडीशन नहीं दी, यहाँ पे एवरेज 100 आ रहा है प्लांट की, यहाँ पे 100 आ रही लेकिन यहाँ 90 आ रही है, ये क्या कहीं ना कहीं हो सकता है सॉइल की फर्टिलिटी में फर्क हो, ऑब्वियसली बात इसलिए, तो ये क्या एक्सपेरिमेंटल एरर। अभी कितना एरर अगर आपको ये पता करना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं रेप्लिकेशन करते हैं, या एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस करना है और प्रिसीजन को इंक्रीज करना है तो अपन क्या करते हैं रेप्लिकेशन का यूज करते हैं। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है।
ये हो गया रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में एक चीज आपको खास कर जाननी है, दैट इज रिपीटेशन आपका होता है, और ये दो चीजें सिक्योर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, और एक्सपेरिमेंटल एरर के रिड्यूस करना और प्रिसीजन को इंक्रीज करना, ये किसका मेजर उद्देश्य है, ये उद्देश्य है रेप्लिकेशन का। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखिएगा दैट इज सेकंड जो है उसको अपन बोलते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, रैंडमाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, रैंडमाइजेशन मतलब आपने उस ट्रीटमेंट को अलग अलग जगह पे डाला। जैसे आप ये नहीं फिक्स करते, जैसे अगर देखो, अगर एक मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूं, एक तो विदाउट रैंडमाइजेशन, एक रैंडम। जैसे आप देखो ट्रीटमेंट डाला, ट्रीटमेंट T1, T2, T3, T4, अब यहाँ पे भी क्या कर दिया, T1, T2, T3, T4, यहाँ पे क्या कर दिया, T1, T2, T3 और T4। तो आपने रेप्लिकेशन का रूल फॉलो किया, R1, R2 और R3, आपने क्या किया, इस पूरे सेट को बार बार रिपीट किया। यस, आपने फॉलो किया, कौन सा रूल फॉलो किया, आपने रेप्लिकेशन का फॉलो किया। लेकिन जो आपने ट्रीटमेंट का जो एक अप्लाई करने का, इस वाले ब्लॉक में भी आपने मान लो कि 50 किलो दिया, मान लो इसमें आपने 100 किलो दिया, इसमें आपने 150 किलो दिया, इसमें आपने 200, अब यहाँ पे 50 दे रहे हो, यहाँ पे 50 दे रहे हो, यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रीटमेंट को क्या किया, बायसनेस दे दी। यहाँ पे हर ट्रीटमेंट को आपने क्या किया, आपको पहले ब्लॉक में डालना। अब हो सकता है कि पहले ब्लॉक के अंदर यहाँ फर्टिलिटी ज्यादा हो, यहाँ फर्टिलिटी कम हो, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट में क्या आएगा, फर्क आएगा। आपने पर आप नहीं कर सकते कि हो सकता है कि यहाँ न्यूट्रिएंट लेवल बहुत अच्छा हो, तो सभी की ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट लेवल सॉइल का पहले से अच्छा था, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी आ गई। आप तो फिर आप कह दोगे कि 50 किलो डालो तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसी ट्रीटमेंट को इस वाले ब्लॉक में भी डालना है, इस वाले ब्लॉक में भी डालना है। तो इसे क्या किया आपने, बायस है, हर ट्रीटमेंट को इक्वल चांस है आने का। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, रैंडम है। जैसे व्हेन ऑल द ट्रीटमेंट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग एलोकेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल। देखो ये एक्सपेरिमेंटल मतलब इस ट्रीटमेंट को मैं कहीं भी डाल सकता हूं, ये इसका इक्वल चांस है, ये कहीं पे भी जा सकता है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ऑल द ट्रीटमेंट हैव इक्वल चांस टू बीइंग एलोकेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट को अलॉटकेट हो रहा है, यहाँ पे भी आ सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट आपकी ये वाली, तो ये कहीं पे भी आ सकता है। इस चीज को अपन ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, रैंडमाइजेशन। रैंडम एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज नोन एज रैंडमाइजेशन। अब पर्पज क्या है, ध्यान रखना, व्हाट इज द पर्पज, पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ रैंडमाइजेशन इज टू रिमूव बायसनेस। अब बायसनेस, जैसे मैंने यहाँ पे बायसनेस कर लेना कि ट्रीटमेंट वन को तो मैं फर्स्ट ब्लॉक में दूंगा, ट्रीटमेंट टू को मैं सेकंड, और ये क्या करता है, रैंडमाइजेशन का जो पर्पज है बायसनेस को रिमूव करना और वेरिएशन को ध्यान रखना, जो कंट्रोल नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी अभी कंट्रोल में, उन वेरिएशन के को इफेक्ट को कम करना, ध्यान रखना ये काम किसका होगा, रैंडमाइजेशन, ये ध्यान रखना। तो कोई भी अगर आपको एक्सपेरिमेंटल का डिजाइन या एक्सपेरिमेंट आपको करना है, तो आपको रेप्लिकेशन का प्रिंसिपल फॉलो करना है और रैंडमाइजेशन का, और तीसरा जो मैंने आपको बताया उसको अपन किसको फॉलो करेंगे, वो अपन फॉलो करेंगे लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल का मतलब जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर। देखो व्हाट इज द लोकल कंट्रोल का मतलब, लोकल कंट्रोल का सीधा सा मतलब है, देखो यहाँ पे क्या है, थ्योरी क्या बताती है, लोकल कंट्रोल, वी मेक यूज ऑफ लोकल कंट्रोल टर्म रेफरिंग टू ग्रुपिंग ऑफ होमोजीनियस एक्सपेरिमेंट। आप क्या करते हो, ग्रुपिंग कर दो, जैसे आपका ये एक्सपेरिमेंट जो इतना बड़ा था, अब यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, हर जगह फट, तो आप क्या करते हो इसको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देते हो। डिवाइड करने से बेनिफिट क्या होता है कि जितना ज्यादा ग्रुप छोटा होगा, ये जो पार्ट टुकड़ा, ऑब्वियसली बात है इसकी कंडीशन कहीं ना कहीं सिमिलर होगी। तो होमोजीनियस ग्रुप के अंदर आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट को डिवाइड कर देते हो, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, लोकल कंट्रोल। मतलब इसको अपन ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, अपन प्लॉट्स के अंदर डिवाइड करते हो, ये पूरा तो ब्लॉक है और इसका एक टुकड़ा, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लॉट, ये होता है। तो ये होता है लोकल कंट्रोल। तो तीन प्रिंसिपल आपको खास कर ध्यान रखना, बता देता हूं वापस से, बार बार रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नंबर वन क्या होगा, रेप्लिकेशन। नंबर टू ध्यान रखना क्या होगा आपको, जिसे अपन बोलते हैं रैंडमाइजेशन, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट लगा रहे हो। और थर्ड ध्यान रखना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लोकल कंट्रोल। इन चीजों का आपको खास कर ध्यान रखना, दीज आर द तीन मेन चीजें जो आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपको खासकर ध्यान रखना है। आगे एक चीज और, छोटी सी चीज मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो भी आपको दिखा देते हैं। ओके, देखिएगा अब, देखो मेन पर्पस क्या है वो देखिएगा आप, किसका मेन प्रिंसिपल। अब ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, अगर आपको
अगर आपको एस्टिमेट करना है एक्सपेरिमेंटल एरर कितना हुआ, मतलब हाउ मच, अगर आपको ये चीज पता करनी है कि कितना एक्सपेरिमेंटल हुआ, जैसे फर्क आ रहा है किसी एक्सपेरिमेंट में, जगह जगह कोई आपसे गलती होगी, एरर आता है कोई जो आपको अनकंट्रोल में नहीं है, उसके कारण कोई फर्क आ रहा है, उसका आपको कैलकुलेशन करना है कितना हुआ, तब ध्यान रखना आप किस किस प्रिंसिपल का काम लोगे, आप प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन का काम लोगे। लेकिन अगर आपको केवल रेप्लिकेशन एरर को कम करना है, ये जानना नहीं है कि कितना कम फर्क पड़ रहा है या कितना एरर हुआ, केवल आपको कम करना, आपको उद्देश्य केवल उसको रिड्यूस करना है, तब आप ध्यान रखना क्या यूज करोगे, एक तो प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन और दूसरा यूज करोगे रैंडम कंट्रोल का, जिसे लोकल कंट्रोल बोलते हैं, ये खासकर आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कॉमन है कि प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन दोनों में, अगर आपको एस्टिमेट भी करना है एक्सपेरिमेंटल एरर को या आपको एरर को रिड्यूस करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन तो दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन ध्यान रखना फर्क क्या है, अगर आपको एस्टिमेट करना है तो रैंडमाइजेशन कम करे, अगर आपको रिड्यूस करना है एरर तो ध्यान रखना वो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लोकल कंट्रोल। देखो बता क्या रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो डायग्रामेट इसको नीचे लेके आता हूँ, ये क्या बताता है, देखो ये क्या बता रहा है कि जो आप प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल आप किसमें, जो रेप्लिकेशन वाला है, अगर आपको क्या करना है वैलिडिटी टू एस्टिमेट, अगर आपको एक्सपेरिमेंट एरर को मेजर करना है, तो आप कौन कौन से यूज करोगे, आप दो प्रिंसिपल यूज करोगे, नंबर वन इज रेप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल और नंबर टू इज रैंडमाइजेशन वाला। लेकिन अगर आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस करना है, तो आप एक तो प्रिंसिपल कौन सा यूज करोगे, रेप्लिकेशन वाला, और नंबर टू जो आप यूज करोगे वो कौन सा करोगे, लोकल कंट्रोल वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर, विच अमंग द फॉलोइंग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल इज यूज टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर एज वेल एज टू एस्टिमेट द एक्सपेरिमेंटल एरर, तो आंसर क्या जाएगा, रेप्लिकेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको नोट डाउन करना है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या बता रहा है, अब ब्लॉक को आपको कैसे डिवाइड करना है, मान लो कि जैसे ये फर्टिलिटी लेवल थी, क्या बता रहा है ये फर्टिलिटी ब्लॉक को डिवाइड, अब देखो ये फर्टिलिटी ब्लॉक तो ऐसे भी था मेरा, तो ब्लॉक को तो मैं यू भी डिवाइड कर सकता था ऐसे, लेकिन ध्यान रखना जैसे आप न्यू ब्लॉक कर दिए इस तरह से, फिर आपने यह ब्लॉक ऐसे दे दिया आपने, ये ऐसे देखो ब्लॉक एक दो तीन इस तरह से ब्लॉक को डिवाइड, ऐसे नहीं करना है आपको, ध्यान करना जैसे फर्टिलिटी रेट यहाँ ज्यादा है, यहाँ मोर है और यहाँ कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो आपको क्या करना है जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट, जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है उसके पैरेलल, मतलब उसके ऑपोजिट पैरेलल डायरेक्शन के अंदर आपको अपने फील्ड को डिवाइड करना है। जैसे ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आपने इसको डिवाइड कर दिया और ब्लॉक को आपने छोटी छोटी यूनिट में, इसको अपन क्या बोलते हैं प्लॉट, तो पूरा जो से बोलते हैं, तो ये ब्लॉक क्या कराएगा रेप्लिकेशन नंबर वन, ये रेप्लिकेशन नंबर टू, और ये ब्लॉक क्या कराएगा रेप्लिकेशन नंबर थ्री, और इस ब्लॉक में जो छोटे छोटे डब्बे हैं उनको अपन ध्यान रखना क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे प्लॉट। तो आज का जो बेटा थ्योरेटिकल जो चैप्टर है, जिसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो भी मैंने कवर किया है, आपका जो मैंने कोशिश की है कि जितना भी आपके ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, मतलब जो समझने वाली चीजें हैं, मैंने वो भी कवर करने की कोशिश की है। तो मैं वापस से एक बार आपको क्लास की ओर ले चलता हूँ, जहां मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया था चीज क्या होती है, वो देखेगा बेटा, वो क्या चीज है वो सुनेगा। मैंने आज वो कंट्रोल किया, ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब जिसको आप कंपेयर करते हो उसको तो अपन क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसपे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे लोकल कंट्रोल उससे अपन क्या ब्लॉक बोलते हैं, जिसपे आप ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो उसको अपन एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहते हैं। ये चीजें अपन अलग से पढ़े, डिजाइन के प्रिंसिपल अपन ने पढ़े, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं वो आपको बता देता हूं मैं। प्रिंसिपल जो अपन ने पढ़े, नंबर वन रिपीटेशन को अपन क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, रेप्लिका बनाना, जैसे रिपीटेशन उसको रिपीट करना बार बार, बायसनेस नहीं करनी, दिस इज नॉन एज रैंडमाइजेशन, और जो यूनिट लगा रहे हो उसको थोड़े टुकड़ों में बांट रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोकल कंट्रोल बोलते हैं। ये आपको खास का ध्यान रखना है। और अगर आपको जो अपना एरर है, जो अपना एरर होता है आपका गलती से कोई भी, आपका ऑब्वियसली बात है वेरिएशन तो आता है, फील्ड को कई कारण होते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल एरर होता है उसको अगर आपको एस्टिमेट करना है, और दूसरा क्या है अगर आपको उसको रिड्यूस करना है, तो दोनों में जो कॉमन है वो तो कौन सा है, रेप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो दोनों में काम होता है। लेकिन अगर एस्टिमेट करना है तो कौन सा प्रिंसिपल एक काम और होगा, रैंडमाइजेशन, और रिड्यूस करना है तो उसमें लोकल कंट्रोल का प्रिंसिपल यूज होता है। ये इसका ध्यान रखना
कहीं ना कहीं समरी है आज के चैप्टर की। तो और अब एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन होती है, जो आप डिजाइन जो अपन बताते हैं एक्सपेरिमेंट को, अपन अगर आपको स्टडी करना तो देखो बेटा कई तरह की डिजाइन होती है, जैसे अपन बोलते हैं एक सीआरडी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड, एक आरबीडी, एक फैक्टोरियल आरबीडी भी होती है, फैक्टोरियल आरबीडी भी होती है, एक एलएच लेटिस स्क्वायर डिजाइन भी होता है, एक स्प्लिट प्लॉट डिजाइन भी होता है। इनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, फिक्स क्वेश्चन होता है, लेकिन समझने की जरूरत है कि आपको मान लो कि कब आपको सीआरडी डिजाइन, अब ये सीआरडी है कि कंटेम्पररी रैंडमाइज, रैंडमाइज नाम भी आ रहा है कंप्लीटली, क्या मतलब आपको दे दिया कि चलो मान लो कि देखो मैं कंडीशन दे रहा हूँ आपको ना, कंडीशन दे रहा हूँ अलग अलग, मान लो कि नंबर वन कंडीशन दे दिया आपको कि आप एक लैब के अंदर, मान लो कि आप लैब का कंडीशन है आपका, ये मतलब आपको फ्लोरिक ये है, ये आपने इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला कोई, ये आपने पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप ले ली और आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे एक प्रिजर्वेटिव डालना, मान लो मैं कुछ भी ले रहा हूँ इसमें प्रिजर्वेटिव है नहीं तो फिर भी मैं डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी ले लिया, मान लो कि मुझे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डालना है, कुछ भी होता कुछ भी नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब सोडियम कार्बोनेट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मेरा केमिकल है, फिक्स कंडीशन है, एक आपको पता करना है कि इसकी सेल लेयर बढ़ाने के लिए मुझे कितना सोडियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बात है, अब एक तो ये कंडीशन, एक आपका फील्ड पे आपको दे दिया, फील्ड के अंदर यही क्रॉप आपकी ग्लैडुलस लग रही थी मान लो, उसमें आप कितना मान लो कि यूरिया दोगे, चलो ये मान लेते हैं ऐसे ही कुछ भी कर लेता हूँ यूरिया। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ दो तरह की कंडीशन है आपके, एक तो आपका जो फील्ड है यहाँ पे, इस पे जहाँ यहाँ पे आपका जो एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हो, यहाँ की तीनों की कंडीशन कैसे आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ कोई फर्क नहीं है, इसमें भी वही कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे वही कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे वो, लेकिन फील्ड के अंदर तो सेम इस सॉइल का अलग कॉम्पोजिशन हो सकता है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग हो सकता है, ह्यूमिडिटी बार अलग हो सकती है, टेम्परेचर अलग हो सकता है, सब कुछ अलग है, यहाँ पे आपका सब कुछ कंट्रोल है, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है आपकी यूनिफॉर्म है। तब ध्यान रखना आप क्या यूज करते हो, सीआरडी यूज करते हो, नॉन हेटेरोजेनस कंडीशन है तब आप आरबीडी। अब ये आप कंफ्यूज हो गए बच्चे क्या होता है सीआरडी, तो ये अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ोगे, सीआरडी डिजाइन आप कब यूज करते हो, उसमें क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आरबीडी क्या होती है, एलएसडी क्या होती है, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन क्या होती है, इनके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो मेरे कोचिंग की ऐप के ऊपर, जो कोचिंग का ऐप है उसके ऊपर आने वाले टाइम में अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आज जो मेरा उद्देश्य था, जो सबसे कॉमन टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल यूनिट, उस पे बनाने का उद्देश्य अगर आपको लगता है पूरा हुआ है, अगर आपको लेक्चर समझ आया है, वाकई में समझ आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।